हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज से हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नई सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेट प्रोफाइल्स। तो स्टेट प्रोफाइल में हम बात करेंगे, इंडिया में 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं आज सबसे पहले। टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और हर वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको मैं दे दूंगा, आप वहां से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हम 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज की को एक एक करके अलग अलग इसको डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। ये आप जगह यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आप ये देख पा रहे हैं, ये जो लाल एरिया है ये इंडिया का पार्ट है इस समय, और जो ये वाला एरिया देख रहे हैं ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये अक्साई चीन है जिसे सीओके भी कहा जाता है। ये इसका जूम्ड मैप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर का जूम्ड मैप है। जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर आप चेक करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। बाकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है वो करता है चाइना के साथ। जम्मू एंड कश्मीर 3 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और इंडिया की जो स्टेट्स है दो, जिनमें कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, इसे कहा जाता है पीओके। ये जो जगह आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर ऊपर को जो जगह है ये पीओके है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, और ये यहाँ से आप इस साइड को जो जगह देख पा रहे हैं ये है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे अक्साई चीन भी कहा जाता है, ये अभी चाइना के अधीन है। तो ये बात हुई जम्मू कश्मीर के बारे में। यहाँ से शुरू होती है एक रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो है हिमालयन रेंज। अब बात करते हैं हिमालयन रेंज के बारे में। हिमालयन रेंज हमारे पास आएगी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश होते हुए, ये जो रेंज है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये इन इन जो स्टेट्स है इन स्टेट्स में ये हमारे को पढ़ने के लिए मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रेंज आप देख पा रहे हैं ये ऊपरी रेंज जो है, यहाँ पर मैं अलग अलग आपके लिए फोटोज लेके आया हूँ, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये है हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज को मेनली आप तीन जो मेन रेंजेज है इसकी, सबसे पहली आउटर हिमालय जो कि इसकी बाहरी परत है, उसके बाद लेसर हिमालय जिसे कि हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, तीसरी है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो अप्रोक्स 2400 किलोमीटर के करीब है, और जो हिमालय है ये उसकी सबसे लंबी रेंज है। इसमें एक और रेंज आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसमें कुछ रेंजेस और है, इन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में आप ये जो रेंज देखेंगे ऊपरी रेंज, ये है काराकोरम रेंज, इसके नीचे जो रेंज है ये है लद्दाख रेंज, और नीचे इसके जो रेंज है ये है जांस्कर रेंज, इसके साथ ये वाली जो आप रेंज देख पा रहे हैं यहां पे ये है कैलाश रेंज। तो ये इतनी रेंजेस में बंटा हुआ है हिमालय। इसमें सबसे लंबी जो रेंज है वो है ग्रेटर हिमालय जो कि यहां से लेकर यहां तक है। अब इसके बारे में डिस्कस करने से जो हिमालय है इसमें कितनी जो हाईएस्ट पीक्स है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, तो वो आप यहां देख सकते हैं इस मैप में, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है माउंट एवरेस्ट, हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 8850 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। दूसरी है कंचनजंगा, वैसे दूसरी यहां पर K2 है जो कि 8600, दूसरी है K2 जो कि यहां पर नई लिखी है, जो ये है 8611 मीटर के एल्टीट्यूड पर, तीसरी है कंचनजंगा, और बाकी आप यहां पर देख सकते हैं ये रेंजेस है जो हिमालयन रेंज की, ये हाईएस्ट पीक्स है जो आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, अब इनकी डिस्कस करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट की बात करें, माउंट एवरेस्ट है 8850 मीटर के एल्टीट्यूड पर, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में लाई करता है। दूसरा है काराकोरम, काराकोरम रेंज को हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, इसे K2 भी कहा जाता है। ये जो चोटी है ये है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसका एल्टीट्यूड है
8611 मीटर, और ये वर्ल्ड की दूसरी हाईएस्ट चोटी है, क्योंकि ये पीओके में है तो ये चोटी हिंदुस्तान में नहीं काउंट की जाती है। इंडिया की सबसे ऊंची जो चोटी है और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा की एल्टीट्यूड है, कंचनजंगा का एल्टीट्यूड है 8586 मीटर, और ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अब अगर बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट है नंगा पर्वत। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि दो ऐसी सेम रेंजेस है और दो अलग-अलग स्टेट्स में ये आती है। पहला है नंगा पर्वत, इसे आप नेक्ड माउंटेन भी कह सकते हैं। नेक्ड माउंटेन जो है, नंगा पर्वत, ये है जम्मू एंड कश्मीर में और इसका एल्टीट्यूड है 8126 मीटर। दूसरा है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, इसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 8126 मीटर के एल्टीट्यूड पर है नंगा पर्वत। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो माउंटेन रेंज है, इसका एल्टीट्यूड 8091 मीटर है, और अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज में बहुत सारी पीक्स है जिनको यहाँ पर फर्दर डिस्कस किया हुआ है, आप यहाँ पर ये पीक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं मनासलू की। मनासलू पीक जो है, इसका एल्टीट्यूड है 8156 मीटर, और इसमें भी काफी पीक्स ऐसी है जो यहाँ पर दी गई है, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पीक है धौलागिरी माउंटेन। जो धौलागिरी माउंटेन है, इसका एल्टीट्यूड है 8201 मीटर, 8201 मीटर इसका एल्टीट्यूड है, और ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आता है लोत्से। लोत्से जो है, इसका एल्टीट्यूड 8516 मीटर है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं जो हाईएस्ट पीक्स इंडिया की है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कंचनजंगा है जो कि 8586 मीटर के एल्टीट्यूड पर है, और ये सिक्किम में है। मोस्टली आप एक चीज इसमें देखेंगे, जो टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पीक इंडिया की है वो सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पीक्स है इंडिया की जो टॉप मोस्ट है, हाईएस्ट पीक्स है, वो यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की स्टेट प्रोफाइल की। स्टेट प्रोफाइल की बात करें तो इसके श्रीनगर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में कब मिलाया गया, तो इसके बारे में, इसे मिलाया गया 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान में मिलाया गया। हमारा जो देश है वो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और उसके लगभग 2 महीने बाद इसे, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाया गया था। इस समय यहाँ के राजा थे हरी सिंह। नेक्स्ट बात करें अगर यहाँ के कैपिटल की, तो कैपिटल यहाँ की, समर कैपिटल जो है वो है श्रीनगर, और विंटर कैपिटल है जम्मू। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो श्रीनगर यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर 22 टोटल डिस्ट्रिक्ट है। एरिया की बात करें, 101,387 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया है, और एरिया वाइज जम्मू कश्मीर का रैंक है 5th। अगर हाईएस्ट एलिवेशन की बात करें, 7,135 मीटर यहाँ की हाईएस्ट एलिवेशन है, और लोएस्ट एलिवेशन है 305 मीटर। गवर्नर की बात करें तो सत्यपाल मलिक इस समय यहाँ के गवर्नर है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सितंबर 2018, इस समय यहाँ पर सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है, और इस समय यहाँ पर गवर्नर रूल है। अगर बात करें लेजिस्लेचर का, तो लेजिस्लेचर जो है, जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर बाइकैमरल है। बाइकैमरल होता है द्विसदनीय लेजिस्लेचर। तो द्विसदनीय में क्या है, दो सदन होते हैं, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर 87 सीट्स है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 36 सीट्स है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि यहां पर मिनिमम सीट्स, कम से कम 40 मिनिमम सीट्स होनी ही चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर एक उन स्टेट्स में से, जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसमें 36 है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आंकड़े से कम है। अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो राज्यसभा सीट्स यहां पर 4 है, और लोकसभा सीटें यहां पर 6 है, और जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट भी है, और ऑल ओवर इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स है।
नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट में बात करते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 1,25,41,302, 1,25,41,302 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन वाइज जम्मू कश्मीर का रैंक है 19th, 19वां नंबर है जम्मू कश्मीर का। और अगर डेंसिटी की बात करें तो यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 124, 124 व्यक्ति 124 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की डेंसिटी है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 68.74 यहाँ का लिटरेसी रेट है, जो कि बहुत कम है, बहुत पुअर है। यह है 30th नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर। अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की उर्दू है, और जो और भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है उनमें है कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, पंजाबी और लद्दाखी। अब बात करें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू कश्मीर को एक टेम्परेरी स्टेटस देता है, एक टेम्परेरी प्रोविजन है उसके लिए, जिसमें कि जम्मू कश्मीर जो है उसका अलग संविधान होगा और अलग फ्लैग होगा। ये आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का फ्लैग है, और यहाँ की जो ऑफिशियल सील है, मुहर है ऑफिशियल, वो यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट सिंबल्स की। स्टेट सिंबल्स की बात करें तो यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग जो है वो इनका स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड की बात करें तो ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये इनका स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो लोटस इनका स्टेट फ्लावर है। और ट्री की बात करें तो चिनार ट्री यहाँ की स्टेट ट्री है। अब बात कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है इसे 3 डिवीजन में बांटा गया है। 3 डिवीजन में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इन 3 रीजन में इसे बांटा गया है। और इन 3 रीजन को फर्दर 22 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये जम्मू कश्मीर के अधीन नहीं आता है। जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अधीन सियाचिन ग्लेशियर नहीं आता है, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर पर जो इंडियन मिलिट्री है उनका इस पर कंट्रोल है। किश्तवाड़, रामबान, रायसी, सांबा, बांदीपुरा, गांदेवाल और कुलगाम, शोपियां, ये न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। ये सारी न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर की है। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की। जम्मू जो है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपके पास यहाँ पर दी गई है। इनके हेडक्वार्टर्स बताए गए हैं, और स्क्वायर किलोमीटर वाइज एरिया कितना है। पॉपुलेशन सेंसस 2001 का और 2011 का यहाँ पर बताया गया है, आप वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं। जम्मू की बात हुई, जम्मू में है 10 डिस्ट्रिक्ट। और फर्दर बात करते हैं कश्मीर वैली की। कश्मीर वैली जो है, कश्मीर वैली में भी 10 डिस्ट्रिक्ट है इनके हेडक्वार्टर्स, और इनका जो एरिया है और पॉपुलेशन है वो यहाँ पर दी गई है। और तीसरा है, तीसरा जो डिवीजन है वो है लद्दाख। लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है कारगिल डिस्ट्रिक्ट और दूसरी है लेह डिस्ट्रिक्ट। ये यहाँ का जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया है और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है, अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है बीच में, और सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। अभी तक यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 वॉर्स हुई है। वो 3 वॉर्स कौन सी है? सबसे पहली इंडो पाकिस्तान वॉर हुई 1965 में। 1965 में पहली भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरा युद्ध हुआ 1971 में। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुआ उसमें भी पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। तीसरा हुआ कारगिल वॉर। कारगिल वॉर हुआ 1999 में, इसमें भी पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। अब बात करें जम्मू कश्मीर की अगर, तो जम्मू कश्मीर जो टोटल जम्मू कश्मीर है उसमें इंडिया के पास जो कंट्रोल है वो है 60% ऑफ स्टेट का। जो 60% स्टेट है वो इंडिया उस पर रूल करता है, इंडिया का उस पर कंट्रोल है। उस 60% में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आता है जम्मू, कश्मीर वैली, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर। ये इतनी चीज़ें आती है जो उस 60% पर इंडिया का जिस पर कंट्रोल है। अगर POK की बात करें जिस पर पाकिस्तान कंट्रोल करता है तो वो है 30%। 30% एरिया ऐसा है जिस पर पाकिस्तान कंट्रोल करता है, जिसे POK कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर।
आपने अक्सर समाचारों में सुना होगा आजाद कश्मीर, तो गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर जो है ये पीओके में आते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। अगर बात करें चाइना की, चाइना करता है 10% जो स्टेट का जो एरिया है उस पर चाइना अपना अधिकार जमाया हुआ है और चाइना इस पर रूल करता है। इसे अक्साई चीन कहा जाता है, ट्रांसकाराकोरम ट्रैक भी इसे कहा जाता है। ये वो जगह हैं, 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था उस समय हम चाइना से हार गए थे, और ये जो अक्साई चीन वाला इलाका है ये उस समय हम चाइना से हार गए थे, और तब से लेकर ये जगह जो है ये इस पर चाइना काबिज है। ये मैं आपको मैप यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मैप आप फिर से देख लीजिए। ये जो यहाँ पर एरिया आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये पीओके है, और पीओके है, और ये जो है ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये वाला, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो एरिया है ये इंडिया के अधीन है, और जो ये आप यहाँ पर ये रेड एरिया देख पा रहे हैं ये है, ये एरिया है सियाचिन ग्लेशियर। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर मेनली ये, क्योंकि हिमालयन रेंज जो शुरू होती है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होती है, तो हिमालयन रेंज में जो हिमालय है इसमें बहुत सारी रिवर्स है, जिनमें से मोस्टली जो मेन रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स है जम्मू कश्मीर की, वो है झेलम, इंडस, तावी, रावी और चेनाब। ये सारी जो है ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है जम्मू कश्मीर की, और फ्लो करती है जम्मू कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर बहुत सारे हिमालयन ग्लेशियर जो है उनका भी घर है, जिनमें कि इसकी जो एवरेज एल्टीट्यूड है इन ग्लेशियर्स का वो है 5,753 मीटर्स, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये 76 किलोमीटर लंबा है, और ये हिमालयन ग्लेशियर में सबसे लंबा ग्लेशियर है। अब रिवर्स की बात मैं बता देता हूं आपको, इंडस रिवर जो है, इंडस सब बहुत बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है, ये पाकिस्तान की मेन रिवर है, और ये जम्मू कश्मीर का भी बहुत सारे जो एरिया है उसमें से बहती हुई जाती है। ये रिवर 2,880 किलोमीटर, 2,880 किलोमीटर लंबी है, और 1,114 किलोमीटर ये इंडिया में बहती है। दूसरी है चेनाब रिवर, ये ओरिजिनेट करती है ये जो इंडस रिवर है ये ओरिजिनेट करती है मानसरोवर के पास से, और दूसरी चेनाब है, चेनाब नदी है, ये 960 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये ओरिजिनेट करती है हिमाचल प्रदेश से। झेलम जो नदी है ये जम्मू कश्मीर से ही ओरिजिनेट करती है, 725 किलोमीटर इसका इसकी लेंथ है। रावी नदी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट करती है, और 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तीसरी है तावी नदी, ये जम्मू कश्मीर में ओरिजिनेट करती है, और 141 किलोमीटर इसकी लंबाई है। श्योक नदी है 550 किलोमीटर, और ये भी जम्मू कश्मीर से ही ओरिजिनेट करती है। कुछ एक और इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इन्हें पॉज करके ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट, ये मेनली सारी वो नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर में बहती है। ये आप यहाँ पर, ये जितनी भी इसमें नदियां हैं आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इसमें आप यहाँ पर मैप भी देख सकते हैं, ये सबसे लंबी जो नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है इंडस नदी, और ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर में ये झेलम नदी है, और ये है चेनाब नदी। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेक की, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप ये भी ध्यान से देखिएगा। लेक की बात करते हैं, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लेक है डल लेक। डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ये डल लेक बहुत फेमस लेक है। डल लेक ये मोस्ट फेमस इसलिए है, ये मोस्ट फेमस होने के साथ साथ मोस्ट विजिटेड भी है, यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट है, पर्यटक है, वो यहाँ पर घूमने आते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस लेक है डल लेक। और इसके साथ लगा हुआ मुगल ईरा गार्डन है जो कि बहुत फेमस है। अगर आप डल लेक अगर आप घूमने जाते हैं तो यहाँ पर आप शिकार, राइड, कयाकिंग, कनोइंग एटसेट्रा, सारी जो वाटर एक्टिविटीज है वो आप डल लेक में कर सकते हैं। ये जो लेक है ये विंटर में फ्रोजन रहती है, जम जाती है। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लेक है वो है वुल्लर लेक। जो वुल्लर लेक है ये 10 से 24 किलोमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है, और वुल्लर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है एशिया में। एशिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुल्लर लेक। और नेक्स्ट लेक की बात करें तो नेक्स्ट लेक है नागिन लेक। नागिन लेक नेक्स्ट है,
सुरिनसर लेक जो है ये नेक्स्ट है, उससे अगली है मंसार लेक। मंसार लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4,250 मीटर के एल्टीट्यूड पर है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी जम्मू कश्मीर की एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक जो है, नेक्स्ट है सो मोरीरी लेक। सो मोरीरी लेक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, इसके बारे में भी आप फर्दर पढ़ सकते हैं। सो मोरीरी की मैं बात कर रहा था, सो मोरीरी जो लेक है इसका एल्टीट्यूड 4,485 मीटर है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सोकर लेक और गंगा सागर लेक ये यहाँ पर, और जो कुछ एक लेक्स है वो है। नेक्स्ट बात करते हैं पासिस की। अगर यहाँ के पासिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत सारे और बहुत इंपॉर्टेंट पासिस भी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है मार्सिमिकला। मार्सिमिकला ला का मतलब होता है पास। मार्सिमिकला पास जो है ये 5,582 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। दूसरा है मुनावार पास। मुनावार पास जो है ये आपका पीर पंजाल रेंज में आता है। तीसरा है नमिकाला। नमिकाला जो है ये 3,700 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अगला है पेंसिला। पेंसिला जो है ये 4,400 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। नेक्स्ट बात करते हैं बनिहाल पास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है। बनिहाल पास जो है ये पीर पंजाल रेंज में है और ये 2,832 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। बिलाफोंड ला की बात करें तो 5,450 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। छांगला की बात करें तो 5,360 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। फोटूला की बात करें तो 4,108 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। ग्योंगला की बात करें तो 5,686 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। और बाकी जो यहां पर और पासिस है, 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है आपका रेजांगला। ससारला पास जो है ये आपका 5,411 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। शिंगोला 5,091 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। जोजिला, जोजिला बहुत इंपॉर्टेंट पास है। जोजिला जो है 3,528 मीटर के एल्टीट्यूड पर है और यहां पर जोजिला टनल जो है, ये जोजिला टनल यहां पर बनाई गई है, ये भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाला, सिंथाला और स्पांगुंगला और तांगलांगला ये यहाँ के और पासिज है। अब बात करें नेशनल पार्क्स की, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए। नेशनल पार्क्स जो है यहाँ पर तीन मेन नेशनल पार्क्स है, जिनमें पहला है डचिंगम नेशनल पार्क। डचिंगम नेशनल पार्क से आपको सवाल आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ये 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था और 141 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है डचिंगम नेशनल पार्क। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्क है और ये 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था। 4,400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, ये 4,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ये 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 1981 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। उन 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की को इस तरह से बताया गया है, आप यहां पर वो देख सकते हैं। 1987 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टेब्लिश करना शुरू हुई। इनमें सबसे बड़ी जो है दूसरी सबसे बड़ी जो है ये है चांगथांग कोल डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 1987 में एस्टेब्लिश की गई थी और 4,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है काराकोरम। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसे नुब्रा शियोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1987 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था और 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। और ये बाकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो है जम्मू कश्मीर की। अब बात करते हैं डैम्स की। यहाँ पर बहुत सारे डैम बने हुए हैं, तो इनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप इन डैम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये कुछ 9, 8, 9 डैम्स यहाँ पर बने हुए हैं, जो कब बने, कब कंप्लीट हुए, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आपको इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में आप यहाँ पर
पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी है जो कुछ इस तरह से आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो मैंने यहाँ पर इनके बारे में बताया हुआ है और आपको ये PDF में भी मिल जाएंगे। अगर टेम्पल्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट वैष्णो देवी टेम्पल है और आपका अमरनाथ यात्रा यहाँ पर होती है, तो वो टेम्पल्स है। और बाकी जो टेम्पल्स है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे इनमें से इंपॉर्टेंट है तो आप PDF में ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपने सुना होगा बहुत पहले ये न्यूज में था, एक ब्रिज बन रहा है चेनाब नदी पर। ये जो नदी आप देख रहे हैं जो बह रही है ये है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर के ऊपर एक रेलवे स्टील कंक्रीट ब्रिज बन रहा है जो कि बनेगा बिटवीन बैकल और कौरी के बीच में। ये है आपका रेसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू और कश्मीर की। इस जो ब्रिज है इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 1315 मीटर, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब ये इसकी टोटल लेंथ होगी। और अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट होगी 359 मीटर। 359 मीटर हाइट पर ये जो ब्रिज है ये बनने जा रहा है। आईफिल टावर जो है उसकी हाइट है 324 मीटर, उससे भी 35 मीटर ऊंचा ये ब्रिज जो है ये बनने जा रहा है और ये चेनाब नदी पर बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पता ही होगा, ये है चेनानी नशीरी। चेनानी नशीरी जो टनल है ये साउथ एशिया में सबसे लंबी रोड टनल है और इसकी जो लेंथ है वो है 9.28 किलोमीटर। 9.28 किलोमीटर में ये 9.28 किलोमीटर लंबी है ये। और ये इसका जो शिलान्यास है वो किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था 2 अप्रैल 2017 में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है इनॉग्रेट किया था। और ये जो टनल है ये जम्मू और श्रीनगर के बीच का डिस्टेंस 30.11 किलोमीटर से कम कर देगी। और इस टनल की एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये टनल जिस नेशनल हाईवे पर बनी है वो है नेशनल हाईवे 44। और अगर इसके बारे में, नेशनल हाईवे जो 44 है ये इससे पहले इसे नेशनल हाईवे 1A के नाम से जाना जाता था। और ये इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ये शुरू होता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक और इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 3747 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सो गाइज, ये हमारी जम्मू कश्मीर पर हमारी पहली वीडियो थी और स्टेट प्रोफाइल की हमारी ये पहली वीडियो है। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से यहाँ पर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दो आर्टिकल भी है, एक 35A और एक है 370। ये दोनों आर्टिकल में ये बताया गया है, जम्मू कश्मीर की अगर कोई भी लड़की किसी बाहर के राज्य के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसका जो अधिकार है जम्मू कश्मीर का वो उसका खत्म हो जाता है। जम्मू कश्मीर को एक टेम्परेरी प्रोविजन ये भी दिया गया है कि इनका अलग संविधान होगा और इनके पास एक प्रोविजन ये है, कोई भी बाहर का व्यक्ति ना तो यहाँ जमीन खरीद सकता है और ना ही यहाँ बस सकता है, ना यहाँ नौकरी कर सकता है। तो ये कुछ प्रोविजंस है जम्मू कश्मीर के बारे में। अगर कुछ इसमें कमियां रह गई हो तो कृपया करके कमेंट करना ना भूलें। और गाइज, ये हमारी पहली वीडियो थी, पहला पार्ट था इस सीरीज का। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम हिमाचल प्रदेश की बहुत जल्द। सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें।